जमशेदपुर के जुगसलाई स्थित नगरपालिका के अकाउंटेंट को पुलिस ने 25,000 रुपए घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार जुगसलाई स्थित नगरपालिका में काम करने वाली महिला सफाई कर्मी सुलेखा का 6 महीने पहले निधन हो गया था। मृतका का बेटा अपनी मां के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसों के लिए कई दिनों से पालिका के चक्कर लगा रहा था, जहां अकाउंटेंट विनय कुमार शर्मा ने पैसे के भुगतान के एवज में 25,000 रुपए की मांग की, जिसकी जानकारी मृतका के बेटे ने एसीबी को दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ जुगसलाई नगर पालिका के अकाउंटेंट विनय कुमार को 25,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। यहाँ एक सुलेखा नामक महिला स्वीपर के पद पर कार्यरत थी, जिसका देहांत गत वर्ष अप्रैल माह में हो गया था। उसके डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए ये रिश्वत की मांग कर रहा था, और जिसका सत्यापन हम लोगों के द्वारा किया गया और मामले को सही पाया गया और आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल इस मामले की जांच एसीबी की टीम कर रही है। वहीं इस भ्रष्टाचार में और कौन लोग शामिल हैं, इसकी भी पुलिस पूछताछ कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।